हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है दो लेयर्स का, डबल लेयर का फेस मास्क, जिसको हमने बुनकर बनाना है। इसके लिए मैं यहाँ पे कॉटन थ्रेड यूज करने जा रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप बारीक ऊन भी यूज कर सकते हैं, या आप जो है कॉटन का धागा डबल या ट्रिपल करके जैसे आपको ठीक लगे वैसे यूज कर सकते हैं। 10 नंबर की मैंने नीडल्स ली है। तो सबसे पहले हम जो है आई कॉर्ड बनाएंगे। तो आई कॉर्ड के लिए हमने यहाँ पे 3 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। 3 फंदों वाली आई कॉर्ड हम बनाएंगे। तो ये हम पहले 3 फंदे कास्ट ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, हमने ये 3 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब आई कॉर्ड के लिए हम पहले इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन शॉर्ट में एक बार फिर से बता देती हूँ। ये देखिए, 3 फंदों को बुना। अब हमने टर्न नहीं करना है, मोड़ना नहीं है जैसे हम मोड़ते हैं। हमने इन 3 फंदों को वापस लेना है लेफ्ट नीडल पर और फिर से इन 3 फंदों को सीधा बुन देना है। ये देखिए, तो इसमें हमने अपने वर्क को टर्न नहीं करना होता है। इसी तरह से हम फिर से वापस लेंगे इन फंदों को लेफ्ट नीडल पर और फिर से इन 3ों को सीधा बुन देंगे। तो हमने जो है इस तरह से आई कॉर्ड बनाते हुए, ये देखिए, इस तरह से बनाते हुए हमने 5.5 इंच तक जो है बना लेना है। 5.5 इंच तक हम ये जो है आई कॉर्ड बना लेंगे। ये देखिए, हमने ये 5.5 इंच तक जो है आई कॉर्ड बनाकर तैयार कर ली है। अब क्या करेंगे देखिएगा, हम इस तरह से अपने वर्क को पकड़ेंगे और यहाँ पे हमने 8 फंदे 8 स्टिचेस जो है इस तरह से कास्ट ऑन कर लेने हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 8 फंदे ये हमने कास्ट ऑन कर लिए। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो हमारे 3 फंदे हमने स्टार्टिंग में कास्ट ऑन किए थे, जो हमारे फाउंडेशन के फंदे हैं, फाउंडेशन रो के, इन्हें हम इस तरह से उठा लेंगे और इनको हम सीधा बुन लेंगे। 1, 2, 3। तो ये हमने 3 फंदे ये भी उठा लिए। टोटल हमारे पास अब 14 स्टिचेस हो गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट रो में हमने क्या करना है। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, ये 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब ये जो फंदे हमने कास्ट ऑन किए हैं, इनको हमने दो दो बार बुनना है। देखिए, एक बार ऐसे बुनेंगे और एक बार बैक लूप से। सारे जो हमारे 8 फंदे हैं जो हमने बीच में कास्ट ऑन किए हैं, इनको हमने दो दो बार बुनते हुए 8 फंदों के 16 फंदे बना लेने हैं। तो ये हम यहाँ तक 8 फंदे 8 स्टिचेस को दो दो बार बुन लेते हैं। तो देखिए, 8 फंदों के हमने ये 16 बना लिए हैं और ये जो हमारे 3 लास्ट वाले फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है ऐसे। तो ये टोटल हमारे 22 फंदे हो गए हैं, 22 स्टिचेस हो गए हैं। अब हम इन सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, बाकी हम जितने फंदे हैं 22, इनको 22 स्टिचेस को सीधा बुन लेंगे। तो ये पूरी रो हम सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने सीधे बुन लिए। अब इस तरफ से हमने क्या करना है, पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, अब इस फंदे के 2 बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदे के 2 बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा। तो पूरी रो में ही करेंगे, एक फंदे को सीधा बुनेंगे और एक फंदे के 2 बना लेंगे, एक फंदे को 2 बार बुनकर। तो ये हम पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने बुन लिए। अभी हमारे पास 31 फंदे हैं। अब फिर से यहाँ पे हम पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, बाकी की सिलाई हम पूरी सीधी बुन लेंगे। इसमें एक तरफ हम नहीं बढ़ाएंगे और एक तरफ से हम फंदे बढ़ाएंगे। तो ये हम एक सिलाई जो है पूरी सीधी बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेंगे 31 स्टिचेस की। ये हमने सीधे बुन लिए हैं। अब इस वाली रो में हमने क्या करना है, पहले फंदे को स्लिप किया, अब हमने सारे फंदों के 2 बना लेने हैं। हर फंदे को हम 2-2 बार बुनेंगे ऐसे। तो ये पूरी रो के हम फंदे 2-2 बार बुन लेंगे। पहला और लास्ट फंदा हमने सिंगल बुनना है। तो ये पूरी रो इस तरह से 2-2 बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, हमने ये फंदे सारे डबल कर लिए हैं। अभी हमारे पास 60 फंदे हैं।
अब हमने डबल बनाने के लिए देखिए क्या करना है। पहले फंदे को हम पर्ल वाइज स्लिप करेंगे। अब अगला फंदा हमने सीधा बुनना है ऐसे, फिर धागा आगे ले आएंगे और इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे ले कर आएंगे, इस फंदे को स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे, इस फंदे को सीधे। तो हमने ये पूरी रो ऐसे ही बना लेनी है। एक फंदे को हम स्लिप करते जाएंगे लेकिन धागा आगे पीछे करना नहीं भूलिएगा, एक फंदा हम सीधा बुनते जाएंगे। तो ये पूरी रो ऐसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने ये लास्ट के दो फंदे तक इस तरह बुन लिया है। ये हमारा सीधा फंदा आया था, अब फिर से हम इस फंदे को स्लिप करेंगे और लास्ट फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब टर्न करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हमने क्या करना है, जो ये फंदा उल्टा है इसे हम स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे और ये जो फंदा अगला है इसे हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और इस फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे। तो ये जो हम स्लिप कर रहे हैं फंदा, इसे हमने इस तरफ से सीधा बुना था, अब इस तरफ से हम इन्हें स्लिप करेंगे, लेकिन धागा आगे पीछे करना नहीं भूलिएगा ऐसे। तो ऐसे ही हम जो है ये सिलाइयां दो बार बार रिपीट करते जाएंगे। इसमें हमने सीधे सीधे फंदे ही बुनने हैं दोनों तरफ से, और उल्टे उल्टे फंदों को स्लिप करते जाना है धागा आगे पीछे करके। तो ऐसे बुनते हुए हमने जो है टोटल 6 इंचेस तक, 6 इंच यहां से, ये जो हमने जहां से फंदे कास्ट उनके थे यहां से 6 इंचेस तक इसी तरह से बना लेना है। फिर से थोड़ा सा देखिएगा, सीधे फंदे को बुना, धागा आगे लेकर आए, उल्टे फंदे को स्लिप कर लिया, जो ये फंदा सीधा दिख रहा है इसे बुना, धागा आगे लेकर आए और इस फंदे को स्लिप कर दिया। तो ऐसे हम ये 6 इंच बना लेते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे 6 इंच तक इस तरह से बुन लिया है। अब हम जैसे हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए थे वैसे यहाँ पे फंदे डिक्रीज करने हैं, घटाने हैं। पहली रो में हमने पहले फंदे को बुनने के बाद एक फंदे के दो किए थे, तो इसमें हम दो फंदों का एक करते हुए बनाएंगे ये वाली रो। तो ये पूरी रो दो फंदों का एक करते हुए पहले हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने सारे फंदों का दो का एक कर लिया, लास्ट फंदा हमने जो है सीधा बुन लिया था। अब इस रो में हम सारे फंदे जो है वो सीधे बुन लेंगे। तो इस सिलाई के सारे फंदे हम सीधे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो ये हमने सारे फंदे सीधे बुन लिए। अब इस सिलाई में हमने जैसे वहां पे फंदे बढ़ाए थे, यानी कि हमने एक फंदे को बुना था, फिर हमने एक फंदे के दो बनाए थे, फिर एक बुना था, यहाँ पे हम उल्टा करेंगे, दो फंदों का एक बनाएंगे, फिर एक सीधा बुनेंगे, फिर दो फंदों का एक बनाएंगे, फिर सीधा बुनेंगे। तो जैसे जिस पैटर्न से हमने फंदे बढ़ाए थे उसी पैटर्न से हमने फंदे घटाते हुए जाना है। तो ये हम रो इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे बनाकर। ये देखिए हमने ये फंदे इस तरह से घटा लिए हैं। अब फिर इस रो में हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। तो ये सिलाई हम सारे फंदे सीधे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए हमने ये सिलाई भी पूरी कर ली है। अब इस रो में हमने क्या करना है, देखिए पहले हम जो तीन फंदे हैं इन्हें सीधा बुनेंगे, 1, 2 एंड 3। फिर जो हमने ये बीच के फंदे हैं इनको कास्ट ऑफ कर लेना है, देखिए ऐसे पीछे वाले फंदे को ऊपर से पास कर देंगे ऐसे। तो ये हमने जो लास्ट के तीन फंदे हैं, लास्ट के तीन फंदों तक जो है ये फंदे इसी तरह से कास्ट ऑफ कर लेने हैं। 3 स्टिचेस हम लास्ट के जो है वो रख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास फिर से लास्ट में ये तीन फंदे बचे हैं कास्ट ऑफ करने के बाद। अब हमने इन तीन फंदों से फिर से 5.5 इंच की जो है वो आई कॉर्ड बना लेनी है। देखिए फिर से हम इन्हें वापस लेंगे ऐसे और फिर से यहां से बुनना शुरू करेंगे। तो 5.5 इंच की हम फिर से, जैसे हमने ये वाली बनाई थी आई कॉर्ड, वैसे ही इस तरफ भी आई कॉर्ड बना लेते हैं। तो ये हम बनाकर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने ये 5.5 इंच तक जो है बना लिया है। अब हम इन फंदों को जो है सुई की मदद से इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये अभी हम स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए इसे हमने स्टिच कर लिया है और ये मास्क हमारा जो रेडी हो गया है। देखिए इसकी विड्थ चौड़ाई जो अभी हमारी बनकर तैयार हुई है 4.25 इंच तक ये बनी हुई है।
तो ये विड्थ जो है बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसको, क्योंकि मैंने तो ये कॉटन में बनाया है, देखिए डबल बना है ये, और अगर आप इसको वूल से बनाएंगे तो आपको कम फंदे रखने होंगे। जो फंदे यहाँ पे हमने बढ़ा के जो है 60 किए थे, वो फंदे आप 50 48 इतने रख सकते हैं, तो उससे ये बनाएंगे तो आपका वूल में ये। लेकिन आजकल गर्मियों की वजह से, समर सीजन की वजह से मैंने जो है ये कॉटन थ्रेड में बनाया है। तो चलिए इसे आप पहना के देखते हैं कैसा लगता है। और एक और बात, अगर इसको आपको जो है डिसइन्फेक्ट करना है, स्टरलाइज करना है, तो आपको इसे वॉश करके धूप में अगर 6 घंटे के लिए आप सुखाएंगे तो आप इसे डेली इसी तरह से यूज कर सकते हैं, सुखाकर धूप लगवाकर अच्छे से। तो फ्रेंड्स इसे आप चलिए ट्राई करते हैं कैसा दिखता है। हमारा ये बनकर तैयार हो गया है और ये बिल्कुल ठीक जो है इसकी फिटिंग आई है। तो आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा है ये।